उस नकाबपोश औरत का पीछा करने के दौरान अचानक अंधेरे में वो गुम हो गई। फिर? और फिर मुझे उसके पैरों के निशान दिखाई दिए और उन निशानों ने मुझे उस जगह पर पहुंचाया जहां से मुझे ये नकाब मिला। कहां से हासिल हुआ? कौन सी जगह थी जहां से तुम्हें ये नकाब मिला? वो दक्षिण द्वार के सामने वहां जंगल में पीपल का पेड़ है ना, बस वहीं पे मिला। आश्चर्य है, सचमुच आश्चर्य है। सभ्य, तुम्हारी बातें मुझे अविश्वसनीय लगती है। एक नकाब पोश औरत अपने नकाब को पीपल के पेड़ के तले उतार कर क्यों जाएगी? क्यों? नकाब पोश तो नकाब के पर्दे के पीछे अपनी असलियत को गुमनाम रखना चाहेगा। नकाब उतार देने से उसकी असलियत जाहिर हो जाती है, वो ऐसा क्यों करेगा? क्यों? माफ कीजिए पंडित जगन्नाथ, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं नकाब पोश के साथ मिल गई हूँ? क्या मैं साजिश कर रही हूँ? क्या आपके हिसाब से मैं गद्दार हूँ? क्या ये सब आरोप आप मुझ पर लगाना चाहते हैं? मैं समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही। ये नकाब, इस नकाब का तुम्हारे कक्ष में होना खुद ब खुद उन सवालों को जन्म देता है जो मैंने तुमसे किए हैं। फिर तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो सकते? राम पंडित जी, मैं आपके कक्ष में गया था अभी, परंतु आप वहाँ। जयदेव, क्या बात है? कोई खास खबर? बात तो बहुत खास है और बेहद जरूरी भी, लेकिन ठीक है, तो मेरे कक्ष में पहुंचो। हाँ जयदेव, बोलो क्या खबर लाए हो? जी, एक गुप्त जानकारी के सिलसिले में बद्रीनाथ ने खास तौर पर मुझे आपके पास यहाँ भेजा है। हाँ। सेनापति ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन ये तो मुझे मालूम है। जयदेव, तुम ये बताओ कि जांबाज गिरफ्तार हुआ या नहीं? पंडित जी, वही तो संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि क्रूर सिंह ने जांबाज को तोप से उड़ा दिया। क्रूर सिंह ने जांबाज को तोप से उड़ा दिया, यानी कि महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया क्रूर सिंह ने। अगर जाबाज मर गया तो तिलिस्म का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। जाबाज की लाश मिली या नहीं? उसे तलाश किया गया या नहीं? पंडित जी, सेनापति के आदेश पर उस भयानक घाटी का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन उसकी लाश का कहीं पता नहीं चला। बस निशानी के तौर पर जाबाज के वस्त्रों के कुछ टुकड़े ही मिल सके। यही खबर लेकर आया तो मेरे पास? जाओ, चले जाओ। लेकिन पंडित जी, मुझे खास तौर पर सेनापति नहीं आया इसलिए भेजा है। इसलिए भेजा है इसलिए कि आप अपने रमल की मदद से ये पता लगा दीजिए कि जाबाज जिंदा है या मर गया। ठीक है, देखते हैं। चार चौदह चौबीस चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। चंद्रकांता से करता था प्यार। तुम उससे ईर्ष्या करते हो, मुझसे जलते हो, क्योंकि क्रूर सिंह ने जाबाज को तोप से उड़ा दिया। क्रूर सिंह ने जाबाज को तोप से उड़ा दिया, यानी कि महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया क्रूर सिंह ने। अगर जाबाज मर गया तो तिलिस्म का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। जाबाज की लाश मिली या नहीं? उसे तलाश किया गया या नहीं? पंडित जी, सेनापति के आदेश पर उस भयानक घाटी का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन उसकी लाश का कहीं पता नहीं चला। बस निशानी के तौर पर जाबाज के वस्त्रों के कुछ टुकड़े ही मिल सके। यही खबर लेकर आया तो मेरे पास?
जाओ, चले जाओ। लेकिन पंडित जी, मुझे खास तौर पर सेनापति ने यहाँ इसलिए भेजा है कि इसलिए भेजा है इसलिए कि आप अपने रमल की मदद से ये पता लगा दीजिए कि शाहबाज जिंदा है या मर गया। ठीक है, देखते हैं। यहाँ खड़ी होकर क्या सुनने की कोशिश कर रही थी? वो कुछ भी नहीं पंडित जी, वो मैं ये जानना चाहती थी कि सरहद से कोई दुर्घटना की खबर तो नहीं आई। हालांकि मैं जानती थी कि संदेश वाहक जो भी खबर थी वो गुप्त रखना चाहता था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। सभ्य, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे हाव भाव में पिछले कई रोज से एक अजीब सी तब्दीली आई है, क्या वजह है इसकी? वो कुछ भी नहीं है। पंडित जी कुछ नहीं, 8:12 ये रमल कुछ बता दे। चार पांच फिर शून्य। जयदेव जी, पंडित जी, बद्रीनाथ के सवाल का जवाब कि जांबाज इस वक्त जिंदा है या मर चुका है मेरे रमल के अख्तियार में नहीं है। इस दिशा में सिर्फ सन्नाटा है और कोहरा है। सेनापति, जांबाज के मारे जाने के बाद इस बात में अब कोई शक नहीं कि सुमेधा चुनारगढ़ के कब्जे में है। आपका आदेश हो तो ये खुशखबरी महाराज तक मैं फौरन पहुंचा दूं। महाराज इस खबर के इंतजार में होंगे। नहीं, नहीं, महाराज इस खबर के इंतजार में नहीं है कि हमने सुमेधा जीता या नहीं। महाराज इस खबर के इंतजार में है कि हमने जांबाज को गिरफ्तार किया या नहीं। हमने वो नहीं किया, हमने वो नहीं किया। और सबका जिम्मेदार है क्रूर सिंह। नहीं बद्रीनाथ, जहराज के साथ मेरी दुश्मनी को तरजीह देते हुए महाराज ने कहा था कि वो जज्बा है जिससे ताकत दुगनी हो जाती है, और मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। बद्रीनाथ, अगर जांबाज मारा गया तो इसमें गलत क्या हुआ? गलत क्या हुआ? गलत ये क्या बकवास है? ये नहाने की बात कौन सी है? सेनापति जी, बात ये है कि इनकी दिमागी हालत बहुत नाजुक हो गई है। दिमागी हालत नाजुक हो गई है मतलब? मतलब ये कि जब से जांबाज ने इनकी खूब पिटाई की है ना, तब से इन्हें बातें भूलने के दौरे पड़ रहे हैं, और ये बचपन में चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तब तो इन्हें उपचार की जरूरत है। हाँ, इनका उपचार है। दूसरा थप्पड़, एक थप्पड़ और मारिए, ये बचपन से वर्तमान में आ जाएंगे। मारिए। क्या गलत हुआ बद्री? तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, मुझसे जलते हो। तुम जांबाज को मात नहीं दे सके, उसे वो अंजाम मैंने दिया, क्योंकि ये महाराज का हुक्म नहीं था। मेरी अक्कमाए, भूख लगी है, नहा के आ गया। उस परिस्थिति में बद्री वही मुनासिब था। मुनासिब? उससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? कितना मारती है मेरी अक्कमाए, खाना नहीं देना था तो तालाब से नहा के आने के लिए क्यों कहा है? या तो पिताजी का बोलेगा? नाज़िम आमिर, इसको लेके जाओ यहाँ से, ले जाओ। मैं तो पिताजी को बोलूंगा। हाँ, बोलेंगे, मैया को भी बोलेंगे, पिताजी को भी बोलेंगे। चलो, क्या बात। मैं माँ दुर्गा से जांबाज की सलामती की दुआ मांगता हूँ, काश जांबाज जिंदा।
युवराज उसके सीने में दफन है, अगर वो सलामत है तो मैं किसी तरह से उसको निकाल के रहूंगा, और अगर वो सलामत नहीं है तो मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो यही है, जावाज भयंकर बारूद से उड़ा दिया गया है, उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। मुमकिन है या नामुमकिन, हमें उसकी लाश को तलाशना होगा। उस भयानक बारूद की दुर्घटना के बाद उसकी लाश को तलाशना असंभव है। असंभव? सदनाम, मैं ये तुम्हारे मुंह से क्या शब्द सुन रहा हूं? असंभव? असंभव को संभव बनाना हर इंसान के बस में है, हमें उसके लिए मेहनत, लगन और हिम्मत चाहिए। तब तक के मुझे पूरी तरह से पता नहीं चल जाता कि जाबाज जिंदा है या मुर्दा, हमें उसको ढूंढना होगा। जाबाज मिले या उसकी लाश, हमें उसको तलाशना होगा, ये मेरा हुक्म है। अगर हमें इस तरह छोड़कर चले ही जाना था तो मेरी जिंदगी में आए क्यों? मेघावत काकू कहाँ है? मुझे मेघावत काकू और सेवा चाहिए। या खुदा, इस नन्ही सी जान को मैं क्या जवाब दूँ? इसे मैं कैसे समझाऊँ? बद्री इस बार वो जाल फेंकेगा, जाबाज जैसी मछली उसमें खुद ब खुद फंस गई। अगर हमें इस तरह छोड़कर चले ही जाना था तो मेरी जिंदगी में आए क्यों? मेघावत काकू कहाँ है? मुझे मेघावत काकू और सेवा चाहिए। या खुदा, इस नन्ही सी जान को मैं क्या जवाब दूँ? इसे मैं कैसे समझाऊँ? खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, हमने तो समझा था कि हमने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारे बिना तो हम सब बेसहारा हो गए थे जाबाज, मगर ये करिश्मा हुआ कैसे? सब इस तावीज की बरकत से निहार। निहार, तुम्हारे दी हुई इस तावीज ने जाबाज को नई जिंदगी दी है। बदहवासी के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक नेक बुजुर्ग की गोद में पाया, और नतीजा आप लोगों के सामने है। मेघावत काकू, शिवा कहाँ है? शिवा? हाँ। कहाँ है शिवा? क्या हुआ शिवा को? आप लोग बोलते कहीं, क्या हुआ शिवा को? कहाँ है शिवा? आप लोग बताते क्यों नहीं, कहाँ है शिवा? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या हुआ शिवा को? आप लोगों की खामोशी से जाहिर है कि शिवा किसी हादसे का शिकार हुआ है। कहीं शिवा को उन जालिमों ने नहीं जाबाज? करीम सरजू और बहुत से लोगों को शिवा के साथ साथ दुश्मनों ने कैद कर रखा है।
की तैनाती कैसी है? जी सख्त। और दक्षिण की? पूरा बंदोबस्त सर। अरे गोला बारूद सेनापति जी, जाबाज जिंदा लौट आया है। जाबाज जिंदा लौट आया है? हाँ सेनापति जी, मैंने उन्हें अपनी इन आंखों से देखकर आ रहा हूँ। सुविधा के लोगों के हौसले फिर से बुलंद हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम खबर है। जाबाज जिंदा है। अब जाबाज बदरी की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। उस ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है सिपाही सालार कि आप जाबाज को गिरफ्तार करके महाराज के सामने अपना कॉल निभा पाएंगे। लेकिन सेनापति जी, जाबाज को जिंदा पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, मुश्किल भी नहीं होगा। पानी में तैरने वाली हर मछली यही समझती है कि उसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन बदरी इस बार वो जाल फेंकेगा, जाबाज जैसी मछली उसमें खुद ब खुद फंस कर चली जाएगी। जाबाज, जाबाज! वो बदरी हमारे लोगों को बांध कर नुमाइश कर रहा है और मासूम शिवा को बारूदी सुरंग के साथ में बांध के रखा है और ये ऐलान किया है कि जाबाज ने अपने आप को 24 घंटे के अंदर हमारे हवाले नहीं किया तो उसका सबसे पहला शिकार होगा मासूम शिवा। और सुमेधा के वासियों को निमंत्रण दे रखा है कि वो मौत का तमाशा खुद अपनी आंखों से देखे ताकि चुरारगढ़ के खिलाफ फिर कोई कदम उठाने की हिम्मत ना करे। हम इस तमाशे में जरूर शामिल होंगे और इसके बहाने अपने साथियों को दुश्मनों के हाथों में छुड़ा लेंगे। अब हमें अपने दुश्मन की इस चेतावनी का मुकाबला अपने दिमाग से करना होगा। सुनो सुनो, ऐलान किया जाता है कि सुमेधा के बंधकों की नुमाइश के इस जश्न में हर खास आम को बुलाया गया है। हर खास आम ये जान ले और आगाह हो जाए कि जो कोई चिनारगढ़ के खिलाफ सर उठाने की जुर्रत करेगा उसका हश्र और अंजाम भी सुमेधा के वासियों की तरह ही होगा। और सुनिए, आप लोगों को ये जश्न देखने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी गई है कि हर एक खास तौर से चुनारगढ़ के दुश्मन नसीहत हासिल करे। किसी को भी इस जश्न में हथियार लेकर जाने की इजाजत नहीं है, लिहाजा सब अपने अपने हथियार यही रखकर जाए। जाओ जाओ, बढ़ते जाओ, चलो आगे, चलो चलो चलो, सीधे चलो, इधर से इधर से चलो। चल, हम तो सांपा ले हैं। चल चल, क्या है? हम तो गाने वाले हैं। चलो 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 चलो, ठहरो कोचवान। गाड़ी में कौन है? सिपाही, हम हैं संगीत वाले। आप जैसे दिलेर और बहादुर सिपाहियों के लिए ही तो मनोरंजन के लिए आए। हाँ ठीक है, जा सकती हो। ए, इसमें क्या है ये? शरबत। ठीक है। Yeah.